देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर खटीमा उधम सिंह नगर से है। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत कोतवाली क्षेत्र खटीमा में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा शहर के मुख्य चौक और कोतवाली के आगे बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा 3 दर्जन से अधिक लोगों के मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर नगर चलान किए। हम आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्र खटीमा में विगत कई दिन से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाकर संक्रमण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आज कोतवाली के सामने और शहर के मुख्य चौक पर व मुख्य बाजार में घूम घूम कर पुलिस द्वारा मास्क न पहनने पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 3 दर्जन से अधिक लोगों के चलान काटे। वही खटीमा कोतवाली के प्रभारी कोतवाल देवेंद्र गौरव का कहना है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा आज बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के चालान किए गए। आगे भी पुलिस की कार्रवाई संक्रमण रोकथाम हेतु जारी रहेगी। आप देख रहे हैं खटीमा से मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। विगत कुछ दिनों में खटीमा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और हर दिन केस आते रहे, उसमें पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और जो जो बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं उनका चालान किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा 3 दर्जन से अधिक चालान किए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और समय समय पर हम कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।